हेलो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट एपिसोड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम में आप लोगों को चैरिटी के बारे में सारी जानकारियां दी थी कि चैरिटी कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, चैरिटी कैसे करनी चाहिए, चैरिटी में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से ही शुरू होनी चाहिए। तो आज मैं आपको एक कहानी, एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम की वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी मिसाल है। पीछे टीवी पे चल रहे कुछ फोटोग्राफ्स या हमारे थंबनेल को देख करके आप लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही होंगी, बट अभी अपने सारे विचारों पे विराम देते हुए इस कहानी को ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद मैं दावा करता हूँ कि आपकी आंखें भर आएंगी, आपकी आंख से आंसू निकलने लगेंगे। इससे अच्छी चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम के लिए कोई कहानी नहीं हो सकता, कोई मिसाल नहीं हो सकता। तो चलिए आप लोगों की इजाजत से एक बार फिर से एक नई वीडियो, एक नई कहानी की शुरुआत करता हूं। तो लीजिए, आपके सामने पेश है नई कहानी साइमन एंड पेप। पुरातन रोम साम्राज्य में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था साइमन। उसको उस वक्त के रोम के सम्राट ने मौत की सजा सुनाई थी और उस सजा में कंडीशन था कि उसकी मौत भूख और प्यास से होनी चाहिए। इस अजीबोगरीब सजा को सुनने के बाद वहां के जेल के जेलर ने साइमन को एक काल कोठरी में बंद किया और उसका खाना पानी सारा चीज बंद कर दिया गया और रोज उसको वाच किया जा रहा था कि साइमन की क्या स्थिति है। उसकी स्थिति, उसकी स्वास्थ्य दिनों दिन गिरती चली जा रही थी, तिल तिल करके वह रोज मरता जा रहा था। उसी साइमन की एक बेटी थी पेरो, जो बहुत खूबसूरत थी, अपने पिता को बहुत प्यार करती थी, अपने पिता के लिए बहुत परेशान रहती थी और उसको ये बात कतई बर्दाश्त नहीं थी कि उसके पिता भूख और प्यास से तड़प तड़प के जेल की कोठरी में मर जाए। उसने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, क्या किया जाए, पिता को किसी भी हालत में बचाना है, मृत्यु उनकी भूख से तरफ तरफ के हो ये उसको बर्दाश्त नहीं था। अब उसकी बेटी ने काफी सोच विचार करने के बाद एक तरकीब निकाली और सुबह सुबह पहुंच गए जेलर के पास कि हुजूर महाराज, मेरे पिता को सजा दी गई है कि वो भूख प्यास से तरफ तरफ के मर जाए, ये सम्राट का आदेश है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर आपसे एक निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दो चार दिनों में तो मेरे पिता की मृत्यु होने वाली है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, कम से कम दिन में एक बार कुछ पल के लिए मुझे उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। जेलर थोड़ा सा नरम दिल का आदमी था, उसने सोचा चलो भाई क्या फर्क पड़ता है, दो तीन दिन में मरने वाला है, वैसे भी जो सजा है उसको वो मृत्यु होगी भूख और प्यास से, तो प्रतिदिन भी आके मिल जाएगी इसकी बेटी, तो चार दिन क्या फर्क पड़ता। उसने कहा कोई बात नहीं, सुबह सुबह आ जाना, रोज मिलके चले जाना। अब बेटी जेल के गेट पे पहुंची, पहले उसकी पूरी चेकिंग हुई, कुछ खाने का सामान तो नहीं ले जा रही, कुछ पानी तो नहीं ले जा रही, पूरी चेक वगैरह करने के बाद उसको काल कोठरी में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर आई, घर चली गई। ये कार्यक्रम रोज होने लगा, ये सिस्टम जो है प्रतिदिन का नियम बन गया। कुछ दो चार दिनों के बाद जेलर को कुछ संदेह हुआ, वो कहा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति अभी तक मरा नहीं, पहले शुरुआती तीन चार दिनों में उसकी सेहत रोज गिरती जा रही थी, अब जो उसके मेडिकल रिपोर्ट्स आ रहे हैं या जो सेहत की जांच हो रही है तो वो दिनों दिन अच्छा होता जा रहा है, कहीं उसकी बेटी अपने कपड़े में या शरीर में छुपा के कहीं खाने या पानी का सामान तो नहीं लेके जाती। जेलर को संदेह हो गया, शक हो गया कि ऐसा क्या जादू हो रहा है भाई। वो दो तीन सिपाहियों को लेकर के एक दिन सुबह सुबह जो है वो घात लगा करके बैठ गया कि आज देखेंगे कि होता क्या है अंदर। रोज की तरह उसकी बेटी आई, गेट पे पूरी जांच हुई, कोई खाने का सामान नहीं है, कोई पीने का सामान नहीं है और उसकी बेटी काल को काल कोठरी में गई। वहां जाने के बाद देखा कि जल्दी से बेटी जो है अपना स्तनपान अपने पिता को करा रही है। अब जेलर भी अचंभित, ये क्या हो रहा है। तो स्तनपान करने के बाद उस बुजुर्ग साइमन की सेहत रोज सुधर रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा जेलर को कि क्या करें। ये बात आग की तरफ फैली और फैलते फैलते सम्राट के पास पहुंच गई, सभा बैठी सम्राट की, वहां पे ये बात बताया गया कि आपने आदेश दिया था साइमन को, मृत्यु दंड दिया था भूख और प्यास से, लेकिन उसकी बेटी
रोज सुबह आती थी, अपना स्तनपान अपने पिता को कराती थी। वो किसी भी हालत में अपने पिता को तिल तिल मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी और पिता भी न चाहते हुए भी मजबूरी बस रोज स्तनपान कर रहे थे। अब आप ही बताएं इस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया जाए, दोषी कौन, बेटी पेरो, बुजुर्ग साइमन, एक ने दूध पिलाया एक ने दूध पिया, वह जेलर जिसने पेरो को इजाजत दी अंदर जाने की, वह सिपाही जिनको नजर रखनी थी वह नजर नहीं रखे। अलग अलग परिस्थितियां हैं, क्या किया जाए, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। रोम का सम्राट बहुत करप्ट था, बहुत हार्ड था, वो किसी भी बातों पे किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था अपने निर्णय पे। मगर उस दिन कुछ और ही हुआ। उस दिन पुत्री और पिता के प्रेम को देख करके एक पुत्री के दिल में पिता के लिए इतनी बड़ी प्रेम, वो इतनी बड़ी चैरिटी करेगी, वो अपना स्तन पान करवाएगी, अपना दूध अपने पिता को पिलवाएगी। रोम के सम्राट की आंखों में भी आंसू आ गया, उसका भी दिल पसीज गया और उसने साइमन की मुक्ति का आदेश सुनाया। साइमन जेल से छूट गया, बेटी उसको खुशी खुशी अपने घर लेके आ गई और सारे लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। एक अजीबो गरीब कहानी है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम की सबसे बड़ी मिसाल है। हमने चाहा कि आपके साथ शेयर कर ले। अगर कुछ और आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।